आप सभी में से शायद काफ़ी ज़्यादा लोग ब्रह्मास्त्र को भूल गए होंगे, जो कि पिछले साल इसी टाइम यानी कि 12 सितंबर के अराउंड रिलीज हुई थी और उसके 3 पार्ट्स अनाउंस किए गए थे। अयान मुखर्जी का ये ब्रह्मास्त्र वर्ल्ड जो कि हमें 3 मूवीज की ट्रायोलॉजी में दिखने वाला था, जिसका पार्ट 1 यानी कि शिवा हमें पिछले साल देखने को मिला, उसने काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म किया और उससे भी बढ़कर इसने ये तब किया जब बॉलीवुड का फाइनेंशियल ईयर बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहा था। मूवी के रिलीज हो जाने के बाद से काफी मिक्स से रिव्यू इसे मिले थे ऑडियंस की तरफ से और इसी के साथ साथ इसको एक बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा कि जो इसके प्रोड्यूसर थे जो कि करण जौहर है, उन्होंने इस मूवी से बैकस्टेप कर लिया था। इसकी वजह से ये फ्रेंचाइज काफी ज्यादा अनसर्टेन हो गई थी कि क्या आगे चलकर हमें अयान मुखर्जी का जो मास्टरमाइंड है ब्रह्मास्त्र यूनिवर्स को लेकर वो हमें दिखेगा या नहीं। बट यहीं पर ही हनुमान जी बनकर एंट्री होती है डिज्नी की, जो कि ब्रह्मास्त्र मूवी के राइट्स खरीद लेता है और इसे आगे बनाने का जिम्मा अपने सर पे लेता है। और पूरे 1 साल तक इसकी कोई भी फर्दर अपडेट्स ना आने के बाद अब फाइनली अयान मुखर्जी ने इसके कॉन्सेप्ट आर्ट्स को शेयर करते हुए ब्रह्मास्त्र 2, जिसका मेन हेड टाइटल होगा देव, जिसे कि हमने ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में देव नाम के कैरेक्टर के ग्लिम्पसेस देखे थे, उसके बारे में हमें कंफर्म कर दिया। और मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करें तो वो शायद ऑलमोस्ट 2026 के दिसंबर में रिलीज होगी, सेम ईयर जिस साल हमें अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी जैसी मूवीज देखने को भी मिलेगी। और अयान मुखर्जी ने ये भी हमें श्योर किया है कि आगे आने वाली 2 मूवीज वैसा कुछ भी नहीं होगी जो कि आपने पार्ट 1 में देखा होगा, वो उससे बहुत ही ज्यादा बड़ी होंगी और शायद बॉलीवुड की कुछ सबसे स्पेशल मूवीज बन जाएंगी। तो आपका ब्रह्मास्त्र 2 पे क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।